close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello everyone, welcome back to my channel Sana's World. Hoping you all are doing super great. जैसा कि आप सबको पता है कुछ टाइम में ईद आने वाली है और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ईद को लेके. आप लोग हैं या नहीं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा. सो मैंने सोचा क्यों ना इस ईद में आपके साथ भी एक मेकअप लुक शेयर कर दूँ. तो मैंने क्रिएट किया है ये ईद मेकअप लुक. काफी सिंपल एंड इजी स्टेप्स होने वाले हैं. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये पूरा लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लिया है. एंड फर्स्टली मैं स्टार्ट करूंगी आई मेकअप से. तो मैं यहाँ पे आई प्राइमर का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं कंसीलर को एज अ प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज पे. एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी का ये कंसीलर जिसमें मेरा शेड है 25 मीडियम. कंसीलर अप्लाई अच्छे से करने के बाद मैं उसे अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी और ऐसा सेम प्रोसेस मैं अपनी दोनों आईज पे करने वाली हूँ. और साथ ही साथ मैं आईब्रोज की भी अपर एंड लोअर दोनों साइड पे लगाऊंगी जिससे वहां पे भी थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट आएगा आईज को. तो यहाँ पे आईज हो चुकी हैं अच्छी तरह से प्रेप. अब इस बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लॉरियल पेरिस मैट मैजिक ऑल इन वन कॉम्पैक्ट. ये कॉम्पैक्ट मेरा फेवरेट है, आपने बहुत सी मेरी वीडियोस में इसे यूज करते हुए देखा होगा. सो इससे मैं अच्छी तरह से बेस को सेट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस पाउडर ब्रश. जब तक आईज अच्छी तरह से सेट होंगी तब तक मैं अपनी आईब्रोज फिल करूंगी. तो इस पर मैं आईब्रो फिल करने के लिए यूज कर रही हूँ इन कलर कॉस्मेटिक्स का ये डेलिकेट आईब्रो. एंड इसमें से जो ये मिड वाला डार्क ब्राउन शेड है मैं इसे यूज करने वाली हूँ. वैसे तो इसमें भी एक छोटा सा स्पूली ब्रश दिया हुआ है, काइंड ऑफ एंगुलर ब्रश एंड एक साइड पे स्पूली है, बट वो बहुत छोटा है. तो मैंने यहाँ पे अपना एंगुलर ब्रश लिया है और उससे मैं इसे अच्छी तरह से फिल करूंगी. आईब्रोज फिल करते टाइम हमेशा अपने हैंड्स को फ्री रखें और कम से कम अमाउंट लें. जितना कम आप अमाउंट लेंगे उतना अच्छा आईब्रो फिल होगा. एंड मिड से स्टार्ट करते हुए एंड की तरफ जाएं एंड देन लास्ट में स्टार्टिंग पे आएं. सो इस तरह से आपके आईब्रोज को काफ़ी एक नेचुरल लुक मिलेगा. सेम प्रोसेस मैं अपनी सेकेंड आईब्रोज पर भी अप्लाई कर रही हूँ जो कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं. तो आईब्रोज यहाँ पे हो चुकी हैं अच्छी तरह से फिल और अब इसे मैं सेट करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस स्पूली ब्रश. और इससे अच्छी तरह से मैं अपनी आईब्रोज को ब्रश कर लूंगी जिससे थोड़ा भी अगर अमाउंट इधर उधर हुआ होगा तो वो सब अच्छी तरह से मिक्स होने वाला है. अब हम आते हैं वापस आई मेकअप की तरफ और फर्स्टली हम अप्लाई करेंगे आई शेडो. आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे दो पैलेट का यूज कर रही हूँ. फर्स्ट वन इज दिस वन मेकअप रेवोल्यूशन लंडन का ये आई शेडो पैलेट जिसमें न्यूड एंड शिमरी शेड्स हैं. तो ये शेड मुझे काफी अच्छे लगते हैं इसमें जो भी शेड्स दिए हुए हैं. तो यहाँ से एक लाइट ब्राउन शेड को मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अपने आईज पे अप्लाई कर रही हूँ. ये काफी हद तक न्यूड शेड है तो काफी सटल लुक देने वाला है इस आई मेकअप को. नेक्स्ट सेम पैलेट से मैं डार्क ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ एंड अपर क्रीज पे इसे अप्लाई करूंगी जिससे काफी अच्छा एंड सटल ट्रांजिशन मिलेगा आईज को. बिकॉज लोअर पे मैंने एक लाइट ब्राउन शेड अप्लाई किया है एंड अपर पे ये डार्क ब्राउन अप्लाई कर रही हूँ. एंड देन एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी जिससे दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे. नेक्स्ट मैं सेकंड आई शेडो पैलेट का यूज़ कर रही हूँ एंड दिस वन इज़ फ्रॉम एल ए कलर्स. ये काफ़ी टीनी मिनी एंड बजट फ्रेंडली आई शेडो पैलेट है. इसमें 6 कलर्स आते हैं बस. तो इसमें से ये ग्रे कलर पिक करके मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज पे. अप टू क्रीज मैं इसे अप्लाई करूंगी एंड ये थोड़ा सा डार्क शेड में मैं इसे ले जाऊंगी. तो जब तक मुझे प्रॉपर कलर नहीं मिल जाता है तब तक मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ. वैसे तो ये आई शेडो पैलेट ब्लेंड अच्छे से होता है बट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक क्लीन ब्रश लेकर के साफ कर रही हूँ डस्ट को. तो होता क्या है ना कि इसमें जब आप ज़्यादा थोड़ा सा अमाउंट लेंगे तो ये काफ़ी डस्टी काइंड ऑफ है तो वो आपके फेस पे आने लगता है. तो अगर आप फेस मेकअप से पहले इसे अप्लाई कर रहे हैं तब तो इट्स फाइन, बट फेस मेकअप के बाद कर रहे हैं तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसलिए फर्स्टली हमेशा आई मेकअप करें देन फेस पे जाएं, उससे जितने भी एक्स्ट्रा डस्ट रहते हैं वो आप क्लीन कर सकते हैं. देन एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी जिससे कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखेंगी मेरी आईज पे. एज यू गाइज नो कि ईद मेकअप लुक है और शिमर ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन लंडन का सेम आई शेडो पैलेट से ये ग्रे शेड जो कि शिमर शेड है. दैट मीन्स ये ग्रे शिमर शेड है. इसे मैं अच्छे से अपनी क्रीज पे डिफाइन करने वाली हूँ और जब तक मुझे प्रॉपर अमाउंट ना मिल जाए तब तक मैं लेने वाली हूँ. बिकॉज इसे अप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो रहा है बिकॉज ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है. तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर के मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ, अदरवाइज एक जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वैसा लुक मुझे नहीं चाहिए. तो
उसको थोड़ा थोड़ा सा लेकर के आप इसे ब्लेंड करें तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। नाउ जो भी एक्स्ट्रा डस्ट आए थे मेरे फेस पे उसे मैं क्लीन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लीन ब्रश। नाउ सेम आई शेडो पैलेट से एक गोल्डन शेड को मैं अपर क्रीज पे लगाने वाली हूँ बिकॉज मेरा जो आउटफिट है वो ग्रे एंड गोल्डन का मिक्स है, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी आउटफिट वियर कर रखा है, तो इससे मैं थोड़ा सा अपर क्रीज पे अप्लाई करूँगी जिससे एक सटल लुक मिलेगा। एंड नाउ मैं मिलती हूँ आई लैशेज अप्लाई करके। सो यहाँ पे मैंने आई लैशेज अप्लाई कर लिया है। आई लाइनर के लिए मैंने यूज़ किया है लैक्मे एब्सोल्यूट का ये परफेक्ट आई लाइनर विच इज़ शाइन लाइन, ये थोड़ा सा ग्लॉसी शेड में है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड नेक्स्ट काजल, तो काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इन कलर का ये प्लेटिनम काजल विच इज़ इन सिल्वर शेड जो मेरे आउटफिट के साथ परफेक्टली जा रहा है। एंड दीज डेज आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस काजल, बहुत ही सटल लुक मिल रहा है इससे। नेक्स्ट इज मस्करा, तो मस्करा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्करा। अगेन आपने बहुत सी वीडियोज़ में इसे यूज़ करते हुए देखा होगा, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, सो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं लोअर लैश लाइन को डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेम मेकअप रेवोल्यूशन लंदन आई शेडो पैलेट से ये ग्रे शिमर शेड ले रही हूँ एंड इसे अच्छे से मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड देन एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैं यहाँ बहुत कम अमाउंट ले रही हूँ बिकॉज काजल भी मैंने सिल्वर अप्लाई किया है, तो मैं चाहती हूँ कि दोनों अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दें। नेक्स्ट आईज को फाइनल टच देने के लिए मैं कर रही हूँ इनर कॉर्नर को हाईलाइट विद द हेल्प ऑफ मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का ये हाईलाइटर पैलेट और इससे मैं अच्छी तरह से दोनों इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर दूँगी। तो आई मेकअप हो गया है कंप्लीट, अब बढ़ते हैं फेस मेकअप की तरफ। तो फेस मेकअप के लिए मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया था, तो मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे प्राइमर विच इज़ फ्रॉम अगेन मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का ये अल्ट्रा फेस बेस प्राइमर है, काफ़ी सही प्राइमर है, तो इसे मैं अच्छी तरह से फेस एंड नेक पे अप्लाई करने वाली हूँ। नाउ कमिंग टू द बेस मेकअप, तो बेस के लिए मैं यहाँ पे दो फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ, मैं दोनों को मिक्स करके अप्लाई करूँगी। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी फाउंडेशन एंड इसमें मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड एंड सेकंड वन इज़ फ्रॉम लॉरियल पेरिस इनफेलेबल प्रो मैट फाउंडेशन और इसमें मेरा शेड है 101 क्लासिक आइवरी। तो मैं दोनों को लेकर के मिक्स करके एंड देन अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस नेक ईयर्स हर जगह एंड देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। मैं अगेन सेम पॉइंट रिपीट करूँगी कि ब्लेंडिंग में आप जितना टाइम देंगे उतना अच्छा आपका बेस सेट होगा बिकॉज बेस के ही ऊपर सारे मेकअप उभर के आने वाले हैं, तो इसलिए बेस पे पूरा टाइम दीजिए, हल्के हाथों से उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करिए एक एक पॉइंट को एंड नेक ईयर्स इन सब चीज़ों को बिल्कुल मत भूलिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मेकअप के चक्कर में इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, हम केवल फेस तक रह जाते हैं जो कि बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, तो ईयर्स एंड नेक पे भी अच्छी तरह से अप्लाई करिए, जितना पार्ट आपका एक्सपोज है एटलीस्ट उतना तो करिए। नेक्स्ट आते हैं कंसीलर पे, तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का ये कंसीलर पैलेट और इसमें से ये लाइट शेड को मैं पिक कर रही हूँ एंड जहाँ भी मुझे डार्क स्पॉट्स या फिर ब्यूटी स्पॉट्स लग रहे हैं मेरे फेस पे वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूँगी एंड देन अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। इसे ब्लेंड करने के बाद मुझे जहाँ भी और लाइटनिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का ये कंसीलर जो सेम मैंने अपनी आईज़ पे अप्लाई किया था आईज़ प्रेप करते टाइम पे। सो अगेन मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ही ब्लेंड कर लूँगी। नाउ माई बेस इज़ रेडी, अब बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस मैट मैजिक कॉम्पैक्ट जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है एंड बेस को मैं अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। तो बेस हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, अब बढ़ते हैं कॉन्टोरिंग की तरफ। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं अगेन मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड उसमें से एक कॉन्टोर शेड को ऑन अ कॉन्टोरिंग ब्रश मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड देन अपने चिक बोन्स को डिफाइन करूँगी, जॉ लाइन्स को एंड फोरहेड्स को, जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है कि थोड़े से कट्स की ज़रूरत है वहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूँगी और आप देख सकते हैं काफ़ी सटल कट्स आ रहे हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लिया है ताकि वो दिखे साफ साफ, अदरवाइज़ मैं कॉन्टोरिंग बहुत कम करती हूँ, बट इस मेकअप लुक के लिए मुझे लगा कि कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है सो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट लेकर के अच्छे से उसे कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोरिंग हमारे फेस को एक सटल स्ट्रक्चर देता है, तो जब भी आप थोड़ा सा हैवी या फिर पार्टी वियर मेकअप करें तो डेफिनेटली कॉन्टोर ज़रूर करें, इससे आपके फेस को एक काफ़ी स्मूथ स्ट्रक्चर मिलेगा। नेक्स्ट ब्लश पे आते हैं, तो ब्लश के लिए मैं आप यूज़ कर रही हूँ शुगर का ये मिनी ब्लश जिसमें मेरा शेड है 05 कोरल क्लाइमेक्स, काफ़ी प्यारा सा शेड है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट भी काफ़ी एनफ होने वाला है, सेकंड चिक पे तो थोड़ा ज़्यादा लग गया था, फिर मैंने उसे अगेन ब्रश की हेल्प से सेटल किया
बिकॉज ये थोड़ा सा अमाउंट आपके लिए एनफ होता है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा टेंट है इसमें। कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ हाईलाइटर, हाईलाइटर के लिए मैं सेम मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का ये ब्लश पैलेट ले रही हूँ। एंड फर्स्टली मैंने इसे फैन ब्रश पे अप्लाई किया था, बट इस फैन ब्रश के ब्रिसल्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत ही थिन है, तो अगेन मैंने पाउडर ब्रश को ही एज अ फैन ब्रश यूज़ किया एंड उससे मैं अच्छी तरह से हाईलाइट कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत लग रही है, लाइक ब्रो बोन पे, चिक्स पे एंड टिप ऑफ नोज पे। नाउ नेक्स्ट इज लिपस्टिक, लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एनरिच लिप क्रेयॉन एंड इसमें मेरा शेड है 02 रेड स्टॉप जो कि एक प्रॉपर रेड शेड है। तो मेरा आउटफिट एंड मेकअप काफ़ी सिंपल एंड सटल कलर्स काइंड ऑफ है, दैट मीन्स लाइट शेड में है, तो मैंने सोचा क्यों ना लिप्स को थोड़ा सा पॉपअप लुक दिया जाए तो मेकअप काफ़ी अच्छा उभर के आएगा, इसलिए मैंने ये रेड शेड लिया है। एंड नेक्स्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे, तो मेकअप फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इन कलर कॉस्मेटिक्स का मास्टर फिक्स फॉर प्रोफेशनल मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड उसे अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद एक क्लीन ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे डैप कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक, आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। इफ यस देन मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आउटफिट एंड इयररिंग्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको ईद मुबारक। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।